नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ऑल इन ऑन ओपी चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम HTC के फोन के ऊपर रिव्यू करेंगे, HTC U11 Plus। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने HTC U11 Plus। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि फोन के सामने में आपको 6 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। इस फोन में क्वाड HD प्लस डिस्प्ले है जिसका कि पिक्सल रिजोल्यूशन आपको 2880x1440 पिक्सल का आपको मिल जाता है। फोन में आपको 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है। साथ ही साथ आपको पिक्सल डेंसिटी आपको 537 PPI का मिल जाएगा। और दोस्तों, बताना चाहूंगा कि इसमें आपको LCD 6 डिस्प्ले लगा हुआ है। और साथ ही साथ ये फोन आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से कवर्ड भी मिलेगा, मतलब कि डिस्प्ले इसका मजबूत है आपको। दोस्तों, ये फोन आपको वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट मिल जाता है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको IP68 का आपको वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट मिल जाता है, मतलब इस फोन को पानी और धूल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोन के डिजाइन की बात कर ले दोस्तों, तो पीछे में आपको लिक्विड सरफेस मिल जाता है। आपको यहाँ पे पीछे में एक कैमरा मिल जाता है जो कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। साथ में आपको नीचे की तरफ कैमरे के ठीक नीचे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। कैमरे के लेफ्ट साइड में आपको एक डुअल LED फ्लैश मिल जाएगा। और कुछ खास नहीं है इसके पीछे में। फोन आपको दोस्तों 3 कलर में मिल जाता है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। दो फोन ब्लैक कलर में है, मतलब ब्लैक में 2 वेरियंट है, और एक फोन आपको यहाँ पे सिल्वर कलर में एक फोन मिल जाता है। तो 3 कलर में अभी ये फोन आया हुआ है, आगे कुछ नया अपडेट आ सकता है इस फोन का। तो फोन के लेफ्ट साइड में आपको बताना चाहूंगा कि कुछ खास है नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फोन में सिम कहाँ लगेगा। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि इस फोन में आपको ऊपर की तरफ सिम इजेक्टर ट्रे मिलता है, जहाँ पे कि आप 2 नैनो सिम नहीं तो 1 नैनो सिम और 1 मेमोरी कार्ड आप लगा सकते। आपको इसमें सिम इजेक्टर ट्रे ऊपर की तरफ मिल जाता है। राइट साइड में आपको फोन के राइट साइड में आपको वॉल्यूम की और आपको पावर बटन मिल जाएगा, मतलब वॉल्यूम अनलॉक कर आपको पावर बटन मिलेगा। नीचे की तरफ आपको USB Type-C का चार्जर मिल जाता है। साथ में आपको स्पीकर मिलेगा और एक माइक्रोफोन मिल जाता है फोन के नीचे में। तो दोस्तों, ये तो हो गया फोन के लुक की बात। और फोन में आपको एज लॉन्चर का फीचर मिल जाता है। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि ये फोन 6 इंच का डिस्प्ले है, लेकिन एक हाथ में अच्छी तरह से फिट आ जाएगा, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अब बात कर ले दोस्तों फोन के परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि इस फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि अभी का सबसे बेस्ट प्रोसेसर माना जा रहा है। और बताना चाहूंगा दोस्तों, ये फोन जो है दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, मतलब 8 कोर पे ये बेस्ट है फोन। 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको 2.45 GHz का देगा, मतलब कि दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके OS की। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा इस फोन में आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड, मतलब एंड्रॉइड 8.0 ओरियो लगा हुआ है, जो कि अभी का एंड्रॉइड का सबसे लेटेस्ट है, मतलब एंड्रॉइड ओरियो आपको इसमें मिल जाता है। और साथ ही साथ ये फोन आपको 2 वेरियंट में आया हुआ है, 4 GB RAM और 6 GB RAM के साथ। 4 GB RAM के साथ आपको 64 GB का स्टोरेज मिल जाएगा, और 6 GB RAM के साथ आपको 128 GB का स्टोरेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब आप देखिए आप अपने पसंद से कौन सा लेते हैं, 6 GB RAM या 4 GB RAM के साथ, वो आपके ऊपर है। क्योंकि दोस्तों, 6 GB RAM में आपको 128 GB का स्टोरेज मिल जाता है, मतलब स्टोरेज भी ज्यादा मिल जाता है। और दोस्तों, साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि इस फोन में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, जहाँ पे कि आप एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड भी लगा पाएंगे। 2000 GB तक का, 2 TB तक का आप मेमोरी कार्ड, नहीं तो आप दूसरा नंबर सिम लगा सकते हैं, मतलब 2 सिम नहीं तो 1 सिम या 1 मेमोरी कार्ड। तो ओवरऑल ये देखा जाए तो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि ये फोन परफॉर्मेंस के मामले में तो कहीं से भी कम नहीं है, क्योंकि 6 GB RAM मिल रहा है आपको इसमें मैक्सिमम, और आपको इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि अभी का सबसे बेस्ट प्रोसेसर है। 835 स्नैपड्रैगन आपको इसमें मिल जाता है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि फोन में आपको 3930 mAh का, मतलब कि बैटरी बैकअप भी आपको काफी अच्छा मिल रहा है। 4000 mAh के आसपास का आपको बैटरी मिल जा रहा है, जिसमें आपको साथ ही साथ क्यूब चार्ज भी मिल जाएगा, मतलब क्यूब चार्ज 3.0 मिल जाता है, मतलब बैटरी जल्दी चार्ज भी हो जाएगा। ऊपर से आपको 4000 mAh का बैटरी मिल जा रहा है, जिसमें आपको ब्लूटूथ का भी बेस्ट सपोर्ट, मतलब ब्लूटूथ 5.0 मिल जाएगा। और ये फोन दोस्तों, बताना चाहूंगा 4G वोल्टी फोन है। आप अगर जियो सिम यूज करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिना नेट ऑन की आप वीडियो कॉलिंग ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं। फोन के वेट की बात करें तो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि 188 ग्राम का आपको ये फोन मिल जाता है। और ये फोन दोस्तों देखने में बहुत ही अच्छा प्रीमियम लुक देता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फोन के कैमरे की। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा यहाँ पे जो आपको पीछे का कैमरा दिखाई दे रहा है, मेन कैमरा मतलब फोन का, वो आपको 12 मेगापिक्सल का मिल जाता है, जो कि अल्ट्रा पिक्सल 3 कैमरा है। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा दोस्तों, इसका जो आर्पिचर है आपको पीछे कैमरे का, वो आपको f1.7 का मिल जाता है, और 1.4 माइक्रोन आपको इसका पिक्सल साइज मिल जाएगा पीछे कैमरे में। और दोस्तों, और ये BSI सेंसर के साथ इसका पीछे का कैमरा बना हुआ है। साथ ही साथ आपको डुअल LED टोन फ्लैश भी मिल जाता है कैमरे के लेफ्ट साइड में। और इसमें बताया गया कि अल्ट्रा स्पीड ऑटो फोकस करता है, मतलब कि आपके मूवमेंट में भी आपको फोकस कर लेगा। और इसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर मिल जाता है। फोन आपको स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग देगा, जो कि 1080 पिक्सल तक का भी आप स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से। और इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर मिल जाते हैं, जैसे सेल्फी टाइमर, फेस डिटेक्शन, HDR बूस्ट, स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब आपको इसके पीछे कैमरे में फीचर मिल जाता है। अब बात कर लेते सामने कैमरे की। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि सामने कैमरे में आपको एक स्पेशल फीचर मिल जाता है, कि मतलब आप ऑटो सेल्फी ले सकते हैं, आप स्माइल देके आप सेल्फी ले सकते हैं, या फिर आप स्टिल हो जाएंगे तभी आपका सेल्फी ले लेगा, वॉइस सेल्फी। आपको ये सब फीचर मिल जाता है आगे कैमरे में,
अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैमरे के मेगापिक्सल की। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, सामने में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जिसका कि आपको एपर्चर F2.0 का मिल जाएगा। और दोस्तों ये भी फुल एचडी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, मतलब सामने से भी आप फुल एचडी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p का। और दोस्तों इसमें भी आपको अच्छे अच्छे जैसे कि दोस्तों फेस डिटेक्शन का इसमें भी आपको फीचर मिल जाता है, टाइमर वगैरह आप इसमें भी लगा सकते हैं सामने कैमरे में भी। अब ये देख लीजिए दोस्तों कि अल्ट्रा स्पीड ऑटो फोकस क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। और ये हो गया HDR बूस्ट, जो कि आपको इसके कैमरे में मिल जाता है, आपको यहाँ ओरिजिनल दिखाई दे रहा होगा HD। ये देख लीजिए फोटो जो है HDR में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अब आप सोचिए कि आपको ये फोन लेना है या नहीं, आपको कितना पसंद आता है फोन। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक भी कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक भी कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, वंदे मातरम।